कुछ दिनों पहले लावा ने फाइनली अपने कुछ नए फोन और कुछ नए प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए। वो जो नए प्रोग्राम है ये कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या फिर यू कहें हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल को खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और 2021 का पहला टेक बाय टेक एपिसोड स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ हैं नंदगोपाल राजन और निमिष दुबे। तो सबसे पहले नंदू आप ही से पूछता हूं कि लावा ने अभी Z1 लॉन्च किया, Z2, Z4, Z6 ये 4-5 फोन लॉन्च कर दिए और कुछ प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए। प्रोग्राम्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जो ये फोन्स लॉन्च किए थे क्या इन फोन्स में है इतना दम कि मार्केट में जो एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन्स हैं उन्हें टक्कर दे सकते हैं? फोन्स तो मेरे ख्याल से बहुत ही रेगुलर फोन्स हैं और इसमें ऐसे कुछ यू नो सरप्राइजिंग कुछ नहीं है। आई थिंक प्राइसिंग अच्छा है और जो फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन बायर होगा उसको अपील करेगा, स्पेशली अगर उसको थोड़ा सा देशभक्ति भी साथ में दिखाने की कोशिश। राइट, सो निमिष अगर Z1 देखें वो तो पूरा अलग ही कैटेगरी का आ रहा है, लेकिन क्या सच में Z2, Z4, Z6 की जरूरत थी या तीनों के तीनों एक ही फोन के डिफरेंट वेरिएंट है? संदीप काफी एक तरह से कहा जाए अजीब से पोर्टफोलियो है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लग रहा है जैसे सारे फोन्स एक ही के वेरिएंट हैं, ऐसी कोई चीज उभर कर आपके सामने नहीं आती है और थोड़ा सा ये अजीब लगता है, क्योंकि अगर आप लावा को याद रखिए, चाहे Zolo के दिनों से याद रखिए, अभी भी याद रखिए, लावा इनोवेटिव कंपनी काफी है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि शायद इतने ज्यादा फोन लॉन्च करने की जगह शायद एक या दो लॉन्च किए होते तो ज्यादा फोकस होती बात पे, लेकिन अब ठीक है अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे, चाहे बहुत पास ही के प्राइस पॉइंट्स हैं, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे शायद और फोन डालने की काइंड का प्रयास था। लेकिन बात आपकी सही है, ये लगता है जैसे एक ही देवता के अवतार हैं बहुत पास पास के वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। सो निमिष क्या आपको लगता है कि ये जो फोन इन लॉन्च किया है जो टारगेट कर रहे हैं बजट सेगमेंट अंडर 10,000 उसमें ये जो भी कंपटीशन है मार्केट में उनको टक्कर दे पाएंगे? संदीप काफी कुछ डिपेंड करने जा रहा है इनकी परफॉर्मेंस पे। वैसे अगर हम केवल स्पेक्स के रूप में देखें और स्पेक्स के रूप में हम देख रहे हैं कि इनके खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं सैमसंग और शाओमी और रियलमी। आज वैसे सैमसंग ने एक नया 10,000 रुपए से कम का फोन लॉन्च किया है सुना है जी। तो उनके कंपैरिजन में इस समय देखने से सफल होने की चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि वो एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। लावा को इन सब में कोई खास चीज लानी पड़ेगी और वो खास चीज अभी तक उभर के सामने नहीं आई है। अगर हम केवल स्पेक्शीट पे देखें तो वो खास चीज ऐसी चीज नहीं है कि भाई चलिए हम ये ले रहे हैं इसमें हमको फला चीज मिल रही है जो कहीं और नहीं मिल रही है। तो हाँ राष्ट्रभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन राष्ट्रभक्ति से कितने फोन बिकते हैं ये पता लगाना पड़ेगा जी। और अभी तक हम तीनों ने इन फोन को यूज नहीं किया है क्योंकि अभी तक रिव्यू यूनिट्स जिसे कहते हैं वो पहुंचे नहीं है, लेकिन जो डिवाइस देखिए तो ये लगा कि चलिए ठीक है, बड़े टाइम से इंतजार था कि लावा कुछ फोन लॉन्च करेगा, लॉन्च कर दिए, लेकिन फोन अभी उतने दमदार नहीं लग रहे हैं अपने कंपटीशन के कंपैरिजन में। क्योंकि उधर अगर आप देखेंगे Xiaomi काफी मजबूत दावेदार बन के खड़ा हुआ है, फोन काफी अच्छे ला रहा है और कुछ ना कुछ एक एक्स फैक्टर भी लाता है। वैसे ही Realme भी कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर लाने की कोशिश करता है, हर एक फोन कोई ना किसी चीज में कुछ नयापन लाने की कोशिश करता है, चाहे बैटरी चार्जिंग की बात कर लीजिए, चाहे डिस्प्ले की बात कर लीजिए, चाहे कैमरा की बात कर लीजिए, या फिर कलर कॉम्बिनेशन या इवन डिजाइन में। तो यहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि फोन खराब है। फोन है जिन्हें ये पसंद है, जिन्हें भारतीय ब्रांड से फोन लेना है, शायद वो इनकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। नंद यहां पर देखा जाए तो उन लोग ने जिस दिन फोन लॉन्च किए फोन से बड़ी न्यूज ये थी कि जो उन्होंने दो प्रोग्राम लॉन्च किए। पहला प्रोग्राम था कि जिसे कहता है मेक योर ओन Z फोन और दूसरा था अपग्रेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेक योर ओन फोन, जिसमें जो उन लोग ने प्रेजेंटेशन में बताया आपके पास एक से लेके 66 कॉम्बिनेशंस तक आप फोन बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें करके, और उनमें भी आप चेंज क्या कर सकते हैं, आप रैम चेंज कर सकते हैं और या फिर रॉम यानी कि इंटरनल मेमोरी, और एक और कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें आप अपने कैमरा मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं।
आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री में काफी अच्छी चीजें लोग इसे सराहेंगे? सी है तो इनोवेटिव चीज, क्योंकि हमने ये पहले लैपटॉप स्पेस में ही देखा है, जैसे एप्पल का प्रोग्राम है कि आप अपना कॉन्फिगर करके ले लो। स्मार्टफोन स्पेस में लोगों ने ट्राई नहीं किया है, क्योंकि स्केल पे करने में बहुत इजी चीज नहीं है ये, राइट? लेकिन तो इसमें जब कि इसमें पॉजिटिव साइड है, उसका ये भी मतलब है कि शायद ये लोग स्केल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहे हैं कि जो नंबर्स होगा इनिशियली वो बहुत ही मैनेजेबल नंबर्स होगा, राइट? नाउ इसमें एक चीज और है, जो 10,000 से कम का जो स्पेस है, क्या ये उस स्पेस के लिए रेलेवेंट है? ये अगर 30,000, 40,000, 50,000 रेंज में, जहां पे एक मेच्योर एंड्रॉइड यूजर एक अपना अपग्रेड फोन ले रहा है, तब तो बहुत बड़ी चीज है, राइट? लाइक जैसे हमारा मोटरोला का फोन था एक्स, मोटो एक्स, राइट? जिसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशंस अवेलेबल थे कवर पे, यू नो, ये बहुत सारी चीजें, मॉड्स को भी यू नो एक्सपेरिमेंट किया है मोटो ने और कुछ अदर ब्रांड्स ने, तो वैसे, बट वो एक हाई एंड बिहेवियर है। यहाँ पे मुझे लगता है 6,000 रुपए का फोन है फॉर इंस्टेंस, तो वो एक मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट टाइम फोन ले रहा होगा, कोई शायद यू नो बहुत ही सस्ते स्मार्टफोन से अपग्रेड कर रहा हो या फीचर फोन से अपग्रेड कर रहा हो, उसको क्या ये पता होगा? तो लावा का एक और ये है कि क्या लावा ऑनलाइन, आई डोंट थिंक लावा ऑनलाइन में ज्यादा बेचेगा। लावा का स्ट्रेंथ हमेशा ऑफलाइन में रहा है, और मेरे पास एक बहुत अच्छा एनेक्डोट है, ये नोएडा में है सावित्री मार्केट, यू नो, जहाँ पे ये फोन्स का यू नो ये पूरा मार्केट है, मैं वहां पे पूरा मार्केट इसी का है। मैं किसी और काम के लिए गया था, मुझे काफी देर बैठना पड़ गया एक शॉप में जो मल्टी डीलर था, राइट? तो मैंने नोटिस किया उस टाइम पे कोई आ रहा है, भैया मुझे एक अच्छा कैमरा वाला फोन दिखाना है, मैंने सुना है कि ये वाला ब्रांड का ये फोन बड़ा अच्छा है, वो तो अच्छा है लेकिन आप लावा देख लीजिए, बहुत बढ़िया है, यू नो। तो दूसरा बंदा आता है, उसको कह रहा है मेरे को बैटरी वाला फोन चाहिए, वो सुना है ये वाला अच्छा है, वो तो अच्छा है लेकिन आप लावा देख लीजिए। वो बंदा हर आदमी को लावा की तरफ घुमाता था, और एक दो ने तो ले भी लिया, मैं एक दो घंटा था वहां पे, तो काफी अच्छा सेल वहां पे हो रहा था लावा का। तो लावा का ऑफलाइन मार्केट पे अच्छा ग्रिप था, अगर वो वाला ये रिक्रिएट कर सकता है तो आप उसको सोचो, वो इवेंचुअलिटी आप सोचो कि एक टायर 3 टायर 4 मार्केट में कोई आता है, नो, पूछता है भैया मुझे फोन चाहिए, तो वो बताएगा यार एक बहुत अच्छा इंडियन ब्रांड का ये आया है और इसमें ये फीचर है, आपको 3 कैमरे की क्या जरूरत है, आप 2 कैमरा ले लो या 1 कैमरा ले लो, बैटरी इतना बड़ा कि उसमें आपको 50 रुपए कम हो जाएगा आपका, तो आप ये ले लीजिए। तो ये एक सेल्स पिच की तरह बहुत अच्छा बिकेगा, लेकिन ये ऑनलाइन में नहीं बिकेगा, इस मार्केट में ऑनलाइन में नहीं बिकेगा, इसको बेचने वाला बंदा चाहिए, और मेरे ख्याल से लावा इस काम में बहुत माहिर है। राइट, सो निमिष, अगर यहां पर बात करें तो जो उनने मेक माय फोन में ऑप्शन दिया है कंज्यूमर्स के हाथ में, आप अपना रैम चेंज कर सकते हैं और इंटरनल मेमोरी चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास है और इतने टाइम से रिसर्च रिपोर्ट्स भी देखते रहते हैं, उसमें बताया जाता है कि कोई भी कंज्यूमर एक नया फोन लेता है वो अमूमन 1 साल 1.5 साल में चेंज करता है, और ये जो अपग्रेड माई प्रोग्राम है इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, और जब भी कोई नया फोन लेता है वो ये सब चीजें लेके दिमाग में चलता है कि मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, और जब भी फोन चेंज करता है, जो हमने यूजुअली कंज्यूमर पैटर्न देखा है, वो चेंज करता है फोन प्रोसेसर के लिए, रैम और इंटरनल मेमोरी के लिए ज्यादा चेंज नहीं करता है। तो आपको लगता है कि ये जो रैम का ऑप्शन, इसमें जो मेमोरी का ऑप्शन है, ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा? संदीप, काफी कुछ निर्भर करने जा रहा है कि कितने कॉस्ट पे होता है, दाम कितना पड़ता है, कि चलिए कोई कहे कि चलिए आपका 4 GB रैम है, इसे हम 500 रुपए में 8 GB बढ़ा सकते हैं, 1000 रुपए के करीब पड़ रहा है ऑन एन एवरेज, 1000 से 1500 रुपए के बीच पड़ रहा है। हाँ, तो 1000 से 1500 मेरे अनुसार थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि टू बी अगर हम देखा जाए तो बात आपकी एकदम शत प्रतिशत सही है। जब हम लोग कहते हैं अपग्रेड एंड्रॉइड में, जब हम अपग्रेड फोन की बात करते हैं, तो पहली चीज, कम से कम मुझे पता नहीं कंज्यूमर के बारे में क्या, लेकिन कम्युनिटी में जो पहली चीज होती है वो कहते हैं प्रोसेसर नया है क्या, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि रैम कितना। एक जमाना था जब आसूस पहली बार 4 GB रैम लेके आया था, मुझे याद है 4-5 साल पहले, तब लोग रैम की बात बहुत करते थे, लेकिन अब पहली चीज लोग कहते हैं आपका प्रोसेसर नया है या नहीं, उसके बाद कहते हैं चलिए आपका कैमरा नया है नहीं, आपके डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट क्या है, इत्यादि ये सब बातें करते हैं। तो राम, जिसे मैं कहता हूँ एक कन्वीनियंस टाइप की चीज है, लेकिन अजीब बात, मुझे थोड़ी इसमें अटपटी बात ये लग रही है कि जिसको ज्यादा रैम का फोन चाहिए वो शायद शुरू में ही ज्यादा रैम का फोन ले लेगा, अगर उतनी प्रायोरिटी उसके लिए है।
ऐसा बहुत कम होता है कि आपने एक फोन लिया और उस पर आपको एकाएक लगा कि हाँ अब मुझे ज्यादा रैम की जरूरत है, एकाएक आपको गेमिंग का चस्का चढ़ गया, उस सब सिचुएशंस के लिए अच्छा है। लेकिन ये थोड़ी सी यूनिक सिचुएशन है क्योंकि अनलाइक जैसे कहें कंप्यूटर्स में हम लोग रैम बढ़ाते हैं, वहां एक सीधी बात है कि आप काम आप कंप्यूटर जल्दी चेंज नहीं करते, आप 5 साल में एक बार 4 साल में एक बार कंप्यूटर चेंज करते हैं और कंप्यूटर स्लो होता जाता है, तो मल्टीटास्किंग के लिए आप रैम बदलते रहते हैं उसमें, वो बात अलग है। अब अगर आप कह रहे हैं कि आपका फोन स्लो हो जाएगा 2-3 महीने में इसे रैम बदलिए, तो ये थोड़ा सा कहा नहीं है लेकिन हिंट तो ब्रॉडली ये है, क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं हमने ऑप्टिमाइज करके आपको दिया है, जो 3 GB रैम वाले भी 3/32 वाले भी जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं आपको ऑप्टिमाइज करके दिया है, इसमें स्लो डाउन नहीं होगा, एकदम ठीक चलेगा। तो फ्रेंकली संदीप कंसेप्ट नया है, प्रॉमिसिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं ना जिसे नंदगोपाल ने भी एक एनेक्डोट कहा था, तो मेरा तो अलग किस्म का है, लेकिन सबवे में हम लोग जाते हैं, सबवे में जो सैंडविच मिलती है और लोग कहते हैं ब्रेड कौन सी है, क्या डालनी है, क्या डालना है, क्या डालना है, क्या डालना है, कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है। मेरी माँ जाती है और कहती है बेटा मैं 150 रुपए दे रही हूँ, तुम्हें डाल के दे दो, मैं ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, जैसे नंदगोपाल ने एकदम सही तरह से पॉइंट आउट किया, जो सेगमेंट 10,000 से कम का है वो बेसिक फोन यूजर है, वो चाहते हैं एक फोन जो काम करे, जो रैम कितना है, किस टाइप का रैम है, किस टाइप का कैमरा है, ये क्राउड थोड़ा सा 25-30,000 के आसपास है। तो मूव तो अच्छा है लेकिन करेगा काम ये जरा रोचक होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर इंटरनल मेमोरी का तो समझ में भी आता है लोगों को, शायद मेमोरी काफी यूज करें तो इसे बढ़ा सकते हैं। रैम मेजरली लोग देखते हैं कि हम गेमिंग के संदर्भ में कि यार हमें इसके लिए काम करना है, जैसे आप मल्टीटास्किंग कह रहे थे, लेकिन उसमें तो एक अहम भूमिका निभाता है प्रोसेसर। हर एक प्रोसेसर की अपनी लिमिटेशन होती है, उससे आगे बढ़ नहीं पाता है, तो जब भी उसको एक लेवल अप जाना होगा तो शायद मे बी वो फोन ही चेंज करेगा। सो न तो यहाँ पर अगला सवाल उठता है कि दो प्रोग्राम लॉन्च हुए, एक हो गया डिजाइन योर फोन जिसमें आप लेने से पहले अपनी स्पेसिफिकेशन चेक कर लीजिए और अपने हिसाब से सबवे का सैंडविच बना लीजिए, और दूसरा है कि आप अपने एग्जिस्टिंग फोन को साल में अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन डाउनग्रेड नहीं कर सकते, एक बार अपग्रेड कर दिया तो वन वे ट्रैफिक है। दोनों में से आपको कौन सी वाला प्रोग्राम में दम ज्यादा लग रहा है? दोनों कंप्लीटली नई चीज है, ये कैसे पैन आउट होगा ये हमें नहीं पता, किसी ने नहीं ट्राई किया है, राइट? ये मतलब ये तो ऐसा चीज है कि एप्पल ने सैमसंग ने भी नहीं सोचा है इसके बारे में, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल होगा, राइट? अब क्योंकि आप ये नहीं बोल रहे हो कि कितने टाइम में अपग्रेड होगा, क्या आपको फोन कहीं भेजना पड़ेगा, है ना, क्या आप मतलब हर जगह अवेलेबल होगा, राइट? तो ये थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कि वो यू नो इंश्योरेंस की तरह है, इंश्योरेंस बेचते हैं इस उम्मीद पे कि लोग लेंगे नहीं, अवेल नहीं करेंगे उसको, राइट? तो जो अवेल करेगा उसको देखेंगे उसको तो इतना परेशान करेंगे कि वो आगे इंश्योरेंस कभी नहीं लेगा, लेकिन तब तक तो बंदा मर चुका होता है जब इंश्योरेंस लेने का टाइम आता है, राइट? तो वो उसका एक मतलब उसका एंटायर सिस्टम वो है, राइट? तो बेसिकली वही है कि यू नो एक साल में ऑडियंस ऐसा है, प्राइस रेंज ऐसा है, रिक्वायरमेंट ऐसा है कि शायद बहुत कम लोग इसके लिए ऑफर के लिए जाएंगे, राइट? राइट तो यू नो नाउ दूसरा चीज ये है कि आप इसको यू नो ये मुझे सी इसमें टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स भी है, राइट? क्योंकि ये एसओसी जितना हम लोग जानते हैं, शायद मैं कंप्लीटली गलत हो, जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, एसओसी एक चीज होता है, सिस्टम ऑन चिप, ये बेसिकली सबवे सैंडविच है जो आपको बना के टोस्ट करके दे रहा है, राइट? टोस्टर में डाल के पका के एक पीस बना के दे रहा है, तो इसमें आप कह रहे हो कि हम आपको जैसे आप स्कैंडिनेविया में जाओगे वो कहते हैं ओपन सैंडविच, है ना, एक सैंडविच लगा के उसके ऊपर 2 टमाटर, 1 पीस चीज और एक सब लगा के ऐसे देंगे, थोड़ा सा हिलाओगे तो गिर जाएगा। आपको बेसिकली एसओसी को ऐसे बनाना पड़ेगा खुला हुआ, ताकि इसमें आप चेंज कर सके कि टमाटर की जगह आप खीरा डाल दें, राइट? तो ये थोड़ा सा है। नाउ इसको करने का मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, शायद मेरा पूरा दिमाग खराब है, तो लेकिन मुझे लगता है कि ये करने का एक तरीका ये होगा कि लेट अस से कि आप खरीद रहे हो 4 GB का फोन और आप उनको प्रपोजिशन दे रहे हो कि अगर आप चाहिए तो आप इसको 8 GB भी कर सकते हो, राइट? और स्टोरेज हम आपको दे रहे हैं 64 GB, अगर आप चाहिए तो 128 GB भी आप ले सकते हो, और आप इसके लिए एक एक्स अमाउंट ले रहे हैं लोगों से,
बट तो एक्चुअली मैं इसमें ये दोनों चीज पहले से है. इट इज बेसिकली 8 GB 128 GB वाला फोन. आप इसको डाउनग्रेड करके बेच रहे हो राइट. और आप जब ये लोग एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो आप उसको खोल के दे रहे हो राइट. जबकि सी द थिंग इज की रैम और रोम का कॉस्ट अभी बहुत कम हो गया है. हाँ, अगर आप चाहिए तो आप दे सकते हो, इसको सस्ते में दे सकते हो राइट. तो इसमें एक ये है कि आप एक एडिशनल रेवेन्यू का एवेन्यू भी छोड़ रहे हो. थोड़ा आई नो ये थोड़ा खुराफाती थिंकिंग है, बट अदरवाइज ये कैसे हो पाएगा. बहुत सारे लोगों को मैंने जिससे बात किया है, हमारे टीम ने लोगों से बात किया, लोगों को समझ में नहीं आया बिकॉज ये पहले किया नहीं गया है. सो अगर ये कर पाते हैं तो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है, इसमें कोई बात नहीं है. हमें वी शुड बी वेरी प्राउड कि इंडिया का इस कंपनी जिसने 3-4 साल से स्मार्टफोन नहीं बेचे हैं, इस कंपनी ने ये करके दिखाया राइट. बिल्कुल बिल्कुल. जो शाओमी और सैमसंग और एप्पल या मतलब इसे ये बड़े बड़े कंपनी नहीं कर पा रहे. इसको टेक्नोलॉजिकली इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अभी तक इनका एक्सप्लेनेशन जो आया है उसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं हो रहा है राइट. और मे बी एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि इन लोग के पास इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ज्यादा लोग इसे चेंज शायद ना करें, तो ऑलरेडी पूरे के पूरे एसओसी बन के रखे हैं मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में. जो भी होगा पूरा का पूरा चिपसेट ही चेंज कर दिया जाएगा और पुराना वाला मे बी दूसरे किसी फोन पे यूज कर सकते हैं. जैसे लेकिन जैसा आपने कहा कि एक्सप्लेनेशन की अभी और जरूरत है, समझाना है इसको. लेकिन निमिष अगर यहां पर बात करें, आपको क्या लगता है अभी तक दो भारतीय ब्रांड मार्केट में अभी तक अपने आप हाथ पैर हिला रहे हैं, उनमें से एक लावा है, दूसरा माइक्रोमैक्स है. 2020 खत्म हो चुका है, 2021 का आगमन कर चुके हैं हम लोग. दोनों में इस टाइम अगर बात करें 0-0 अगर स्कोरबोर्ड था, तो अभी किसका स्कोरबोर्ड में ज्यादा गोल नजर आ रहे हैं आपको, कौन आगे है? संदीप आगे तो लावा रहा है, क्योंकि लावा जैसे आपको भी पता है, आप तो आप काफी आप फैक्ट्री में भी विजिट करने गए थे. लावा माइक्रोमैक्स बाजार से हट गया था, लावा कभी बाजार से हटा नहीं है. लावा हमेशा पिछले साल भी लॉन्च करता रहा, डिवाइसेस यूज लॉन्च करता रहा. मुझे याद है 10,000 के रूप में आसपास 48 मेगा पिक्सल का एक फोन लेके आया था, जहां तक मुझको याद है. उसके UI में थोड़े से आपको इश्यूज मिले थे, लेकिन डिवाइसेस लावा के हमेशा रहे हैं. तो मैं कहूंगा लावा की, जैसे नंदगोपाल भी पॉइंट आउट कर रहे थे, मार्केट प्रेजेंस है, लोग अभी भी जानते हैं उसको, लावा कभी हटा नहीं है डिवाइस से, मार्केट से. तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तो है ही है ये, लेकिन अगर हम बस कहें प्रेजेंस के मामले में, और जो एक मैनेजमेंट में कहावत होती है कि अगर आप सही जगह पे हैं तो 50% सफलता आपको मिल चुकी है, तो लावा इस समय माइक्रोमैक्स से आगे है. बिल्कुल. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेशकश लावा ने की है कंज्यूमर्स को, भारतीय कंज्यूमर्स को, पेशकश में काफी दम लगता है. फोन्स की बात नहीं करूंगा, फोन्स मुझे लगते हैं कि डिसेंट हैं, आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ये जो नए प्रोग्राम्स लाए हैं ये अच्छी शुरुआत है. लेकिन डिपेंड करता है क्या ये प्रोग्राम्स अगर वो आगे चल के अपना प्राइस रेंज बढ़ाते हैं, 15,000-20,000 की रेंज में अपने फोन्स लॉन्च करते हैं, वहां पर अगर ये वाले ऑप्शंस दिए जाए तो शायद ये ज्यादा कारगर होंगे, क्योंकि तब तक एक कंज्यूमर जैसे नंदू और निमिषी बताते हैं इवॉल्व हो चुके होते हैं और उन्हें मालूम है कि यार मुझे ये चाहिए वो करना है. 10,000 तक के ज्यादातर कस्टमर्स वो होते हैं, एक बार ले लिया उसके बाद कहते हैं बस चलना चाहिए, मुझे आगे कुछ नहीं करना है. तो उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में शायद लावा आगे के सेगमेंट्स में भी कदम रखे और वहां पर भी ये स्कीम दे. और ये स्कीम अच्छी है या बुरी है इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता अभी, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही हुई है और पहले हमारे पास कोई एग्जाम्पल भी नहीं है कि ऐसा किसी ने किया है. तो इंतजार करना पड़ेगा हमें कि मार्केट फिगर्स क्या आते हैं जब ये फोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा. कोई एक फोन तो आई थिंक 26 जनवरी से हो रहा है, तो उसके बाद पूरी हकीकत पता लगेगी कंज्यूमर से कैसे लेते हैं. जैसे जैसे हम खत्म करते जा रहे हैं, जो आपने गालिब के शेर से शुरू किया था, तो वैसा ही एक और शेर है कि अपग्रेड के आ जाने से जो आ जाती है मुख पे रौनक, वो सोचते हैं अपग्रेड के आ जाने से आ जाती है जो मुख पे रौनक, वो सोचते हैं स्मार्टफोन का हाल अच्छा है. बिल्कुल. इसी ख्याल के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं. जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और हम तीनों को दीजिए इजाजत.